स्कूली बच्चों की फीस एक्ट को लेकर 15 तारीख से स्कूल खोलने के फैसले पर कुंवर जपिंदर सिंह ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों की फीस माफ करनी चाहिए और दूसरी तरफ जो 15 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं उसमें बच्चों की सेहत की जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, एक तो उत्तराखंड में पिछले 20 वर्षों से फीस एक्ट नहीं है और उसकी वजह से अभिभावकों का और छात्रों का उत्पीड़न ये प्राइवेट स्कूल्स करते आए हैं और यही फीस एक्ट ना होने की वजह से अब भी वो बच्चों का स्कूल से नाम काटने की धमकी देने लगे हैं, बच्चों को निकालने की धमकी देने लगे हैं, जबरन फीस वसूली पे उतर आए हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश में फीस एक्ट पिछले 20 सालों से बना ही नहीं और इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से वो सरकार के ऊपर स्कूल्स खोलने का दबाव बना रहे हैं और किसी भी तरह की जिम्मेवारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है तो उनकी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी? अगर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों का अहित होता है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर उनके जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो हम उनके इस प्रेशर के खिलाफ और सरकार को जगाने के लिए और फीस एक्ट की मांग को लेकर ये आज एक सांकेतिक अनशन पे बैठे हुए हैं और अगर इस पे जल्दी से ध्यान ना दिया गया और इसी तरह से स्कूलों की मनमानी चलती रही और स्कूलों की मनमानी के ऊपर अंकुश ना लगा तो निश्चित तौर पर ये अनशन पूर्णकालीन अनशन में बदलने में देर नहीं लगेगी। देहरादून से योगेश वालिया की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान के तहत विधायक गणों एवं अधिकारियों को प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने कोविड-19 से बचाव हेतु कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सावधानियां बरतने, कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार गांव के कर्रा नाला में दो युवकों की लाश मिली है। पुलिस ने बताया कि विनोद धनुहार और गंगाराम धनुहार कल रात अपने रिश्तेदार के साथ बांध में मछली पकड़ने जाने की बात कहकर घर से निकले थे, मगर सुबह तक दोनों घर नहीं लौटे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी में पुलिस आज एक्शन मोड में नजर आई। तड़के सुबह देवरी के सबरिया डेरा अवैध महुआ के गढ़ में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के हाथ सैकड़ों कुंटल महुआ लगा जो आरोपियों ने नदी में डुबा रखा था। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शाखा शिविरी नारायण के द्वारा महानदी से लगे हुए लगभग 55 गांवों के परिवार को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस द्वारा कमजोर एवं गरीब परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। अमेठी तहसील में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ जिसमें सभी प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी गई। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी और सचिव पद के लिए 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अध्यक्ष पद पर सदाशिव पांडे ने 55 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 11 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर यूपी के अमेठी से है जहां घर के बाहर बरामदे में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हत्या से अज्ञात लोगों द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला मुंशीगंज थाना कोतवाली क्षेत्र के महिमापुर गांव का है जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग अपनी भांजी साधना श्रीवास्तव के घर आकर रुका था। सीओ गौरीगंज संतोष कुमार सिंह ने कहा कि हत्या की घटना का जल्दी खुलासा किया जाएगा और अपराधी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। आज दिनांक 8/10/2020 की सुबह लगभग 3:30 बजे ग्राम महिमापुर थाना क्षेत्र गौरीगंज में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए उसको पोस्टमार्टम हेतु शव को गौरीगंज भेजा जा चुका है। मृतक का नाम श्री कृष्ण सनफ दौलत, उम्र लगभग 70 वर्ष, यह धर्म सिंह का पुरवा थाना मुंशीगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह लगभग 1 हफ्ते से अपने भांजी के घर पे आके रुके हुए थे। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सरोवर नगरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की बदहाल चिकित्सा प्रणाली को सुधारने के लिए राज्य सरकार को सभी 13 जिलों के अस्पतालों से 34 सवालों के जवाब लाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति
आरसी खुलबे की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों से 34 बिंदुओं पर जवाब संबंधी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अनलॉक 5 में भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की छूट दी गई है, मगर हरिद्वार में भारत सरकार द्वारा दी गई छूट का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में देश भर से आने वाले श्रद्धालु भारत सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस से हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में घूम रहे हैं। हमारे द्वारा ये कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए और जैसा कि हरिद्वार में यहाँ पर हल्की पैड़ी पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा लगातार वहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार चेकिंग कर जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे उनके विरुद्ध हम चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। हर की पैड़ी पर हमारे द्वारा अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगा रखा है और हम लगातार वहाँ पर अनाउंसमेंट करते रहते हैं और इसके अतिरिक्त जगह जगह बोर्डों के द्वारा और लोगों को वैसे भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर हर की पैड़ी पर आए वो मास्क लगाए और जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। धर्म नगरी हरिद्वार में तिबड़ी फाटक पर बन रहे अंडरपास की वजह से देर रात ज्वालापुर फाटक के बीचों बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया। ये जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून तक जाती है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली। ये जनशताब्दी ट्रेन है, दिल्ली से आ रही है और अभी जो है यहाँ पर कुछ टेक्निकल काम चल रहा है रेलवे का, तो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो है हरिद्वार ट्रेन नहीं आ पाएगी, तो जो है इमरजेंसी में जो है यात्रियों को ज्वालापुर फाटक पर उतरवाया जा रहा है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से बसेस मंगाई गई है और इसके अलावा जो है टेम्पू बसेस वगैरह और टैक्सी वगैरह की व्यवस्था की गई है भिजवाने के लिए। अभी फ़िलहाल यही ट्रेन रोकी गई है क्योंकि इस टाइम यही ट्रेन है और अभी मेरे ख्याल जो इन्होंने हमें बताया रेलवे के ऑफिसर्स ने, करीब 1-2 बजे के आसपास ये रूट क्लियर हो सकेगा। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय इन दिनों प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर आम लोगों और व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय ने हरिद्वार पहुंचकर पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार से कई मांगे की। किशोर उपाध्याय ने कहा कि कोविड महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बेहाल हो गई है। दुकानें हैं उनके एक वर्ष के कम से कम जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, सीवरेज के बिल हैं, वो सब जो है सरकार को वापस लेने चाहिए। मैं माफ़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो इस पर हमारा अधिकार है, पुश्तैनी अधिकार है, जो हमको निशुल्क बिजली पानी रसोई गैस मिलनी चाहिए थी। उसके साथ में जो कॉमर्शियल टैक्स नगर निगम द्वारा लगाया जा रहा है यहाँ पर होटलों पर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, वो माफ़ होना चाहिए। उसी तरह से परिवहन क्षेत्र से तब से टैक्सी है कि उसमें 10% जो है वो अभिभावक उसको बहन करे, बाकी 80% जो है स्कूल और सरकार, 40% सरकार करे, 40% जो है स्कूल वहन करे, तो अभिभावकों पर जो है उस तरह का भार नहीं आना चाहिए। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस कांड ने पूरे देश की राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं में हाथरस जाने की होड़ मच गई है, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओपी राजभर बेइज्जती के डर से हाथरस नहीं गए। ये वक्तव्य सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संडीला में कार्यकर्ताओं की समीक्षा कार्यक्रम के दौरान खुद कहा। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग पीटे जाएं। हमारी संवेदना है हाथरस की बेटी के साथ जो घटना घटी है, इसके जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। हाथरस जैसी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आए दिन हो रही है। अभी 3 दिन पहले फिर हाथरस में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, अभी भदोही में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, चंदौली में हुआ, बाराबंकी में हुआ, बलरामपुर में हुआ, पूरे प्रदेश में ये बलात्कार प्रदेश बन गया है।
और प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये विपक्षियों को वहाँ जाने से रोक रही है कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं इनको लगता क्या ले लेंगे, और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पत्रकार भाइयों को भी वहाँ जाने से जिस तरह के बदसलूकी इन्होंने किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ साक्ष्य छुपाने के लिए, अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, अपराधियों को बचाने के लिए बीजेपी के सांसद जा रहे हैं जेल में मिलने के लिए, उनके पक्ष में पंचायत हो रही है, सरकार दो तरफा कार्रवाई कर रही है। हरदोई से शोभित सिंह की रिपोर्ट। कोटा ब्लॉक के चंगोरी ग्राम पंचायत में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 14वें वित्त की राशि का दुरुपयोग पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के बाद भी जवाबदार अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से उनकी भूमिकाओं पर सवाल उठ रहा है। कुछ नहीं दिया है सर, आए थे ऐसे पड़ रहे थे, खा लिए दो वक्त की रोटी, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन वगैरह। अरे हफ्ता में कौन 7 जने हैं, एक तो साबुन दे दिए तो कहे में धोएंगे। हम यही कह रहे हैं, भूख मर रहे हैं, ग्राम पंचायत चंगोरी में आए हैं, अभी तक हमको रोजगार गारंटी में काम नहीं मिला है, हमें कुछ राशि नहीं मिला है सर, अभी तक कुछ सुविधा नहीं मिला है, कुछ नहीं, बस वो मिलता है जो कार्ड में हमारे सरकार जो दे रहा है अभी छत्तीसगढ़। इसमें काय पूर्व में वितरण हो चुका है, रोजगार गारंटी काम भी चल रहा था, अभी तालाब गहरीकरण हुआ इसके पहले। गांव वाले आपको आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं नहीं, आरोप सिद्ध नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो काम हुआ है। मिला था, उसको हम पालन भी कर रहे हैं। बिलासपुर से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी में सतनामी समाज ने यूपी के हाथरस और छत्तीसगढ़ की युवतियों के साथ हुई कथित गैंगरेप की घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। गौशाला मैदान में किए गए प्रदर्शन में प्रमुख रूप से आरपी संभाकर, आशीष रात्रे, काती सोनवानी, तमाम समाज के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान समाज के साथ साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एवं अन्य समाज के लोग भी मौजूद रहे। आज इस देश में एक दलित राष्ट्रपति है, चर्चर दलित केंद्रीय मंत्री है, 131 दलित सांसद है, 78 महिला सांसद है, फिर भी दुर्भाग्य की बात है इतने संवेदनशील मुद्दा मानवता को सार सार करने वाले घटना को आज दुख व्यक्त न करके आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जिला धमतरी से दीपक यादव की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।